तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है y इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, और प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो लेट इक्वेशन नंबर आपके पास ये 1 हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा आपका, d बाई डी एक्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू 500 डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 7x प्लस 600 डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस 7x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, चेन रूल लगेगा, पहले e डिफ्रेंशिएट होगा फिर 7x डिफ्रेंशिएट होगा। तो जब e डिफ्रेंशिएट होगा आपका तो e की पावर 7x आएगा, और 7x डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या आएगा आपका, 7 आएगा, ये 500 तो पहले से था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा आपका, 600 e पहले डिफ्रेंशिएट होगा फिर उसके पास माइनस 7x डिफ्रेंशिएट होगा, तो e डिफ्रेंशिएट होगा उसका तो यही आएगा, और माइनस 7x होगा तो आपका माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट कुड बी रिटेन एज ए 7 5 35 00 e की पावर 7x माइनस, यहाँ पे 7 इंटू ही लिखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें मल्टीप्लाई करने की, माइनस 7 इंटू 600 ई की पावर माइनस 7x। तो से दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ये आपका हो गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूव करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी, क्या हो जाएगा आपका, 7 इंटू 500 डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x माइनस 7 इंटू 600 डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस 7x। सिमिलरली वहाँ डिफ्रेंशिएट करिए ई को, फिर 7x को डिफ्रेंशिएट करिए, तो क्या आ जाएगा आपका, ये तो आपका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 7 इंटू 500 और e की पावर 7x, और 7x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 और ये 7 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, 7 का स्क्वायर, तो हम यहीं पे लिख ले रहे हैं 7 का स्क्वायर, माइनस 7 इंटू 600 और e की पावर माइनस 7x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, e की पहले e का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस 7x, और फिर माइनस 7x का माइनस 7 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस हटा दिया। दूसरा काम, ये 7 और ये 7 मल्टीप्लाई के 7 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करो, ये 7 स्क्वायर कॉमन कर लो, 7 स्क्वायर जब कॉमन कर लोगे तो यहाँ ब्रैकेट प्लेस हो जाएगी, ठीक है, 7 स्क्वायर चला गया आपका बाहर। अब जो आपके पास बचा, ये देखिए यही आपका वाई था, ठीक है, तो इसको हटा के हम क्या लिख दें नेक्स्ट स्टेप में, y लिख दे, तो दैट्स द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो इसको हटा के आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, ठीक है, ये y हो गया, और 7 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 49, तो दैट इज 49, तो ये आपका प्रूफ हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड।